भाई अब लंच का टाइम है और डिसाइड मैंने ये किया है कि लंच हम दोबारा सेम रेस्टोरेंट में करेंगे बिकॉज़ इनका फूड जो है अच्छा था, सिटिंग भी सही है एंड प्राइसेस आर ओके, सो वी डिसाइडेड लंच भी यहीं पे करेंगे एंड दे नो अस बाय द वे. क्या मर्जी होगा. एंड आई थिंक बाहर बैठना ही ठीक है दोबारा से. क्या मर्जी होगा. वी आर बैक अगेन. लंच आ गया भाई और सेम रेस्टोरेंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था. ये लंच है भाई. Gada, моё богатство, Ускалова, моя сида, И только грусть мои года, И года, моё богатство. जो पैसे मैंने एक्सचेंज करवाए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और सिग्नागी में आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम टू फाइंड एनी मनी एक्सचेंज. एक बैंक है बट उन लोगों के पास मनी एक्सचेंज की फैसिलिटी नहीं है तो अभी कुछ एक्सचेंज में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर कोई मनी एक्सचेंज मिल जाता है तो, वरना फिर आप क्रेडिट कार्ड हर जगह पर यूज़ कर सकते हो बट थोड़ा बहुत कैश लाजमी पास होना चाहिए. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं. और ये बैंक है लिबर्टी बैंक और आई डोंट नो कि अभी ये ओपन है या फिर क्लोज है. सो लेट्स गो एंड फिगर इट आउट. और अभी जो मैं सिग्नागी वॉल की तरफ जा रहा हूँ. सिग्नागी वॉल जो है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर जो है एक स्पॉट है. इट्स लाइक अ वॉल जिस तरह दीवार है चीन है, जो चाइना की दीवार है उस तरह की है. बट आई मीन इतनी बड़ी नहीं है बट उसी तरह की है. तो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का है. ये ऊपर से कुछ व्यू मैंने ड्रोन से लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ. कुछ आइडिया किस तरह किया तब इसके ऊपर जाना है. इसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा वॉक है बिकॉज सिटी के ऑलमोस्ट एंड में है ये.
गया हूँ। सिग्नागी में सिर्फ तीन चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं। पहला जो है वो व्यू है, और दूसरा जो है यहाँ पर वाइन टेस्टिंग होती है, क्योंकि वाइन की यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं, इन हाउस वाइन जो वो बनाते हैं वो है। और तीसरी जो है ये वॉल है, सिग्नागी वॉल भी इसको बोलते हैं। थोड़ी सी आपको एहतियात यहाँ पर करनी पड़ती है, बिकॉज ऊपर जाने और नीचे आने का रास्ता थोड़ा सा इस तरह के, तो अगर आप कहीं से भी स्लिप हुए या आपके हाथ से कोई चीज़ स्लिप हुई तो देर आर हाईली चांसेस यू विल नॉट गेट इट बैक। सो आपको यू हैव टू बी केयरफुल। और एक ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता तो है, लेट्स सी ऊपर जाते हैं। वो बहन है दिस स्टेप इज मिसिंग कमिंग इज अपने ना। तो ये कुछ ऐसा है। ओह वाओ, हमें कोई सॉलिड जगह नहीं है खड़े होने की, इसी तरह से हैं। आई थिंक यहाँ से नीचे ही चलते हैं, बिकॉज कोई सॉलिड जगह तो है नहीं है खड़े होने की। तो तो ये जो सामने वाला है ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, और इस टाइम पे 7 बजे हैं और सूरज आपके सामने बिल्कुल ऊपर है, और 8:40 पे सनसेट है, विच मीन 9:30 बजे तक जो है यहाँ पर रोशनी है। एक्चुअली ये लास्ट पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि इट्स लॉन्ग। अगर आप वहाँ पर बिल्कुल एंड पर भी देख रहे हैं तो यहाँ से होती हुई आगे तक जाती है, तो हम इसे आगे तक नहीं जाएंगे, बस यहाँ से वापस।
इसको लेके अंदर भी देखते हैं क्या है, कैसा है ये। ये भी ऐसा ही है, कोई सॉलिड आपकी जगह नहीं है जहाँ पर आप खड़े हो सको। नीचे यही है सी, एंड वॉल्स ऊपर हैं, आप बाहर कुछ ज़्यादा नहीं देख सकते हो, तो नो यूज़। दोबारा नीचे चलते हैं। तो बस अभी आज के दिन का ऑलमोस्ट यहीं पर एंड है। अभी तकरीबन जो है वो 9 बजे का टाइम है और ये इस कैफ़े में जो है मैं कुछ ड्रिंक्स के लिए या फिर कुछ स्नैक्स के लिए यहाँ पर रुका हूँ मैं। व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ से, और यहाँ से फारिग होकर बस वापस होटल में जाना है। और बस आज का दिन, दैट्स इट। वॉल वॉज अ बिट लॉन्ग एंड टायरिंग, बट इट्स ऑल गुड।